आपका वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग एंड अनसैम्पलिंग का सेकंड पार्ट, दैट इज स्टैटिस्टिकल एरर, मेजरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर। इससे पहले हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, टेबुलेशन एंड कंपिलेशन ऑफ डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ये सब चैनल पे मौजूद है स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। मेजरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर, स्टैटिस्टिकल एरर कैन बी मेजर्ड आइदर एब्सोल्यूटली और रिलेटिवली। तो स्टैटिस्टिकल एरर मैंने आपको इससे पहले समझाया है, एक बार फिर समझाते हैं। स्टैटिस्टिकल एरर किस एरर को कहते हैं? स्टैटिस्टिकल एरर हम कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। तो अब ये ट्रू वैल्यू किसको कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज एक विलेज है जिस विलेज को हमने सेंसस मेथड के जरिए से कंप्लीट इन्यूमरेशन की, और कंप्लीट इन्यूमरेशन करने के बाद हमको जो जरूरत था दैट वाज द मीन इनकम ऑफ दिस विलेज, मीन इनकम ऑफ एवरी हाउस होल्डर ऑफ दिस विलेज। व्हेन वी कैलकुलेट द मीन इनकम ऑफ दिस विलेज बाय दिस कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड, वी गेट दैट द मीन इनकम ऑफ दिस विलेज इज 6000। तो इस सेंसस मेथड के जरिए से दिस 6000 इज द मेन इनकम ऑफ दिस विलेज, दिस 6000 इज द ट्रू वैल्यू, एक्चुअल मेन इनकम। नाउ इफ वी विल टेक सैंपल फ्रॉम दिस विलेज, तो अगर हम इस विलेज से अब सैंपल लेंगे, सपोज वी विल कलेक्ट फ्यू हाउस होल्डर्स फ्रॉम, suppose in this village there are 1000 households and we count only 100 households, to in 100 households ka humne yahan par ek sample liya, to jab humne sample liya humne calculate kiya yahan par in 100 ghar pe is village ka income, to wo nikla 520 या कुछ निकला 5020, एक्चुअल इज 6000, बट आवर एस्टिमेटेड वैल्यू जो हमने इन 100 घर पे रिजल्ट निकाला इस गांव के मीन इनकम दैट इज 5200, दिस इज एस्टिमेटेड वैल्यू, इसको हम एस्टिमेटेड वैल्यू कहते हैं, एंड दिस इज ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। तो ये हमने निकाला इसको सैंपल के बेस पर, इसकी एक्चुअल जो वो 6000 है। तो द डिफरेंस बिटवीन दिस ट्रू वैल्यू एंड दिस एक्चुअल मीन, ये एस्टिमेटेड मीन है, तो ये एस्टिमेटेड मीन हमारा बना 5200 एंड 6000 इस पॉपुलेशन में। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 6000 एंड 5200, दिस डिफरेंस वी कॉल दिस डिफरेंस द स्टैटिस्टिकल एरर। इट मीन्स 800 इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। तो इस एरर को हम बोलते हैं इसमें स्टैटिस्टिकल एरर। तो ये स्टैटिस्टिकल एरर मेजर करते हैं हम एब्सोल्युटली और रिलेटिवली, बोथ आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग द स्टैटिस्टिकल एरर। तो एब्सोल्युटली रिलेटिवली, नाउ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स, if the error is measured absolutely it is called an absolute error, and if it is measured relatively it is called relative error. Absolute error is the difference between the true value and the estimated value. Means absolute error is when we calculate direct the difference between true value and the estimated value. Here the difference between this true value and the estimated value is 800. It means the absolute error in this population, in this sample, is 800. This is absolute error. अब इस absolute error को हम relatively कैसे calculate करते हैं? If the actual figure of sales of concern is ₹9,900 and the approximate figure is ₹10,000, there is a difference of ₹100. In these two figures, this is an absolute error.
दिस 100 इज एब्सोल्यूट एरर, अभी मैंने आपको बताया. एंड रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द एस्टिमेट. दिस इज मोस्टली वाइडली यूज्ड एरर. रिलेटिव एरर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एब्सोल्यूट एरर से. In the above example, if the absolute error of rupees 100 is divided by the estimated figure, that is 10,000, we will get 0.01 is the relative error. तो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा again. तो ये absolute error है 800. तो हमारा actual जो है that is 6,000. इस 6000 को, इस 800 को जब इस 6000 से हम डिवाइड करेंगे, व्हाट वी विल गेट, दैट इज द रिलेटिव एरर. इसका दूसरा नाम हम परसेंटेज एरर भी दिया गया. इसको ऐसे भी निकालते हैं क्योंकि यही रिलेटिव एरर ही ज्यादा यूज होता है इसमें, ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है. तो इस 800 डिवाइड बाय 6000 मल्टीप्लाइड बाय 100, what we will get is the relative error. Iska second name percentage error bhi hai. It means 0.01 is the relative error. Again, or 100 divided by 1000 into 100 is equal to 1%. To ye iska dusra naam humne rakha hai. This 1% is a relative error. It is also known as percentage error. तो इसका सेकंड नाम जो है वो परसेंटेज एरर भी इसका नाम दिया गया है. तो जब आप यहां पर निकालोगे, वी विल गेट हियर 0.13. दिस 0.13 इज द रिलेटिव एरर. दिस 1% इज द रिलेटिव एरर. इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिलेटिव एरर्स आर मोर वैल्यूएबल देन एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर्स वेरी ऑफन गिव्स एरर शूज कंक्लूजन. तो इसमें जो ज्यादा यूज होता है दैट इज एब्सोल्यूट एरर कम यूज होता है. एंड रिलेटिव एरर आर मोर वैल्यूएबल, इसी को एक्सेप्ट किया जाता है. नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स. एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. इफ द ट्रू वैल्यू एक्सीड्स द एस्टिमेट, द एरर इज सेड टू बी पॉजिटिव. यहां पर देख लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा. यहां पर पॉजिटिव एरर किसको बोलते हैं. इफ द ट्रू वैल्यू एक्सीड्स द एस्टिमेट, यानी हमारे पास जो ट्रू वैल्यू इज 6000 विच एक्सीड्स द एस्टिमेट वैल्यू. आवर एस्टिमेटेड वैल्यू मीन हियर इज 5200. It means this error is positive. What will be the error between this true value and estimated value? We will call this error as positive error. तो आपको समझ आया होगा. If true value exceeds the estimate, the error is said to be positive error. And on the other hand, if the estimate exceeds the true value, the error is called a negative. अब अगर estimate, ये जो estimate हमारा निकला, suppose हमारा true value था 6000, तो अगर हमारे पास estimated value निकल जाता 6500, it means this is called the error between these two true and estimated value, जो इनके बीच में error होगा, we will call this error as negative. तो एरर टू टाइप्स का, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर. नाउ क्लासेस ऑफ एरर्स. ब्रॉडली स्पीकिंग एरर्स मे बी आइदर बायस्ड और अनबायस्ड. अब ये एरर्स किस तरह से हो जाते हैं, किस टाइप के एरर हो सकते हैं, तो किस तरह से एरर हो जाता है. तो एक इसने कैटेगरी की है बायस्ड एरर, दूसरा अनबायस्ड. Biased errors are those which arise on account of some bias in the mind of the investigator or the informant or in the instrument of measurement. मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको. I will explain here.
what is the biased error. Suppose एक इन्वेस्टिगेटर है, तो इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो जब कोई भी गलती इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते समय विल बी बाय द इन्वेस्टिगेटर, कोई बायस इसकी तरफ हो, या तो ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं लेगा, या तो ये इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से लेगा, जो इसके इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन ने उस हिसाब से नहीं लेगा, तो जो भी कोई गलती इस इन्वेस्टिगेटर के जरिए से होगी वो बायस्ड में आती है. एंड और द इन्फॉर्मेंट, तो अगर ये इन्वेस्टिगेटर किसी इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन लेता है, किसी घर वाले से जिससे इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेंट इसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है. जो वो कहता है, सपोज इन्वेस्टिगेटर इसको पूछता है व्हाट इज योर एज, द इन्फॉर्मेंट इज 25 ईयर्स ऑफ एज एंड ही टेल्स माई एज इज 35 years or 20 years age. तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेंट का बायस हो जाता है, इसको इन्फॉर्मेंट का बायस कहते हैं. एंड थर्ड इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट, तो अगर किसी वक्त जिस तरीके से हम मेजर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उस इन्फॉर्मेशन जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो अगर उसमें कोई गलती हो गई, हमने उसको अच्छी तरह से यूज नहीं किया, तो उस तरीके से भी उस एरर को भी हम बायस्ड एरर कहते हैं. ए बायस्ड इन्वेस्टिगेटर कैन प्ले मिसचीफ इवन एट अर्लियर स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ही कैन सेलेक्ट सच डेटा व्हिच वुड सूट हिज कंक्लूजन, जो उसको खुद मर्जी आए वही लिखेगा, और जिस इन्वेस्टिगेटर को. और बायस्ड एरर्स मे ऑल्सो अराइज ड्यू टू इफ डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मेजरमेंट. If a meter stick which is 95 centimeter in length is used to measure a certain distance, it will always produce a biased error, as there will always be a short measurement. तो ये biased error के यहाँ पर example है कि किस तरह से biased error हो जाता है. Now, biased error are cumulative. It means ये जो biased error हो जाता है ये cumulative होता है. क्यूमुलेटिव मीन्स ये अगर ज्यादा हो जाता है इस इंफॉर्मेशन. सपोज इफ ए ग्राउंड इज मेजर्ड बाय अ मीटर रॉड, वन मीटर रॉड, व्हेन वी विल लास्ट फाइंड आउट द लेंथ, देयर विल बी एरर, दैट विल क्यूमुलेट. क्यूमुलेटिव मीन्स अगर पहले 1% यहां पर 0.5 गलती, तो यहां पर 0.6 हो सकता है, तो 0.4 हो सकता है गलती दूसरी सेकंड मेजरमेंट में, थर्ड में 0.1 मिस हो जाता है मेजर करने में, तो ये बढ़ता जाएगा. ये तो जब मेजर लास्ट मेजरमेंट दिखाएगा इस ग्राउंड का, सपोज इट इज 1000 मीटर इन पेरीमीटर, तो ये 1000 मीटर एक्चुअल नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्यूमुलेटिव एरर हो सकता है, ये जो बीच बीच में मिस हो. तो इसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि ये बायस्ड एरर क्यूमुलेटिव होता है. अगर इन्वेस्टिगेटर एक हाउस होल्डर के पास इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं लेता है, तो सेकंड हाउस होल्डर के पास भी जरूर कोई गलती करेगा वो, एंड थर्ड यूनिट के पास भी जरूर कोई गलती करेगा वो. इट मीन्स ही विल मेक अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स दैट विल गिव द फॉल्स कंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट, तो डेटा हमारे पास इसका एक्यूरेट नहीं आएगा. इस तरह से अगर एक इन्फॉर्मेंट गलती करेगा किसी जगह इन्फॉर्मेशन देते समय, तो दूसरा भी करेगा, फिर उस तरह से उसके जरिए से भी गलती थोड़ी हो जाएगी, तो वो गलतियां छोटी छोटी गलतियां बड़ी गलतियां हो जाएगी. तो यही इसने यहां पर लिखा है कि जो भी बायस्ड एरर होता है ये क्यूमुलेटिव होता है, ये बढ़ता है. द लार्जर द नंबर ऑफ केसेस इन विच देयर इज अ बायस्ड एरर, द ग्रेटर वुड बी इट्स मैग्नीट्यूड. If we measure the distance of 5 meter only with a stick of 90 centimeter, the error would be of the magnitude of 25 centimeter. तो ये यहाँ पे इसने example दी. But if we measure 100 meter, the error would be 500 centimeters. Thus, biased errors are cumulative. Now, unbiased errors. Unbiased errors are those which arise just on account of a chance. They are not
the result of any prejudice or bias. If figures are approximately to the nearest whole member, the error would be unbiased, as in some cases the approximated number would be less than the actual ones, while in others they would be more than the true values. तो अनबायस्ड एरर में वही आते हैं जो बाई चांस हो जाते हैं, जो बायस जानबूझ कर नहीं करते हैं गलती, बाई चांस हो जाती है। तो वो गलती इसमें हम कंपनसेट भी करते हैं, तो अनबायस्ड एरर्स आर कंपनसेट, ये माने जाते हैं कंपनसेट। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, इसने लिखा है वन एरर कंपनसेट्स द अदर, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी वर्क्स हियर, एंड सिंस एरर्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, they usually cancel each other. There is a general tendency everywhere to give edges in round figures. It is another example of unbiased error. तो यहाँ पर तो अगर कोई information अपनी एज की देता है कि मेरी एज 20 years है लेकिन थी उसकी 25, दूसरा बंदा information देता है कि मेरी एज 30 years है लेकिन थी उसकी 25, तो यहाँ पर इसने 5 years ज़्यादा बताए, यहाँ पर इसने 5 years कम बताए। तो इस टाइप के एरर्स यहाँ पर कंपनसेट किए जाते हैं, यही इसने लिखा है। इन सम पीपल है इन दिस प्रोसेस आवर एस्टिमेटेड देयर एजेस, अदर माइट हैव अंडर एस्टिमेटेड देम। अ पर्सन ऑफ 29 years ऑफ एज मे कॉल हिमसेल्फ ऑफ 30, बट it is also likely that a person of 31 years may call himself of 30, and in such cases the errors can cancel each other. To unbiased error maan jate hain jo compensate kiye jate hain. To ye tha brief class about the measurement of statistical errors. To aap channel ko bhi zarur subscribe kariyega, agar subscribe nahi kiye to zarur subscribe karna, aur koi comment ho to confusion to comment mein likhna, मैं कोशिश करूंगा आपका कमेंट कन्फ्यूजन दूर करने का।